नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राय। समय ही शुरुआत है और समय ही अंत है, और समय पर अगर किसी का वश है तो वो है कालों के काल महाकाल। हमारे और आपके जीवन में समय कितना मूल्यवान है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि गुजरा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता या फिर समय का सदुपयोग नहीं कर पाता वो इस समाज में पीछे रह जाता, और जो कि समय पर की गई मेहनत और कार्य ही व्यक्ति को सफलता दिलाती है। और इसलिए समय बताने वाली घड़ी का इस्तेमाल देखिए सदियों से हो रहा है। पश्चिमी देशों में देखिए घड़ी का आविष्कार सन 996 में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं प्राचीन सभ्यताओं में समय जानने के लिए सूर्य घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य घड़ी ही समय की गणना करने वाला पहला आविष्कार माना गया, लेकिन ये घड़ी उस समय विफल हो जाती जब सूर्य के सामने बादल छा जाते। और इसके बाद पानी की घड़ी का आविष्कार किया गया, उससे भी देखिए सटीक समय का पता लगाना मुश्किल होता। फिर मोमबत्ती द्वारा समय का ज्ञान करने की विधि सामने आई। आज भी दिन को 8 प्रहर में गिनते हैं। दिन रात मिलाकर देखिए 24 घंटे में हिंदू धर्म अनुसार 8 प्रहर होते हैं, और औसतन 1 प्रहर 3 घंटे का होता है जिसमें 2 मुहूर्त होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला आज हम आपको समय का ज्ञान क्यों दे रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह है पीएम मोदी का कलाई पर उल्टी घड़ी पहनना। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें यूं ही स्टाइल आइकन नहीं कहा जाता, खुद को फिट रखने वाले पीएम मोदी का स्टाइल भी हिट है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ के पहनावे में नजर आते हैं। यही वजह है कि युवाओं में पीएम मोदी अपनी स्टाइल और कपड़ों को लेकर काफ़ी लोकप्रिय हैं। यूँ तो देखिए उनसे जुड़ी हर बात अपने आप में खास है, लेकिन घड़ियों का शौक रखने वाले पीएम मोदी आखिर अपनी कलाई पर उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल 2019 के एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि वो कलाई पर हमेशा उल्टी घड़ी पहनते हैं, और इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने ये कहा, मैं कलाई में उल्टी दिशा में घड़ी इसलिए बांधता हूँ क्योंकि अक्सर मुझे मीटिंग के दौरान समय देखना होता है और मैं ये नहीं चाहता कि सामने बैठे लोगों को इसका पता चले। जब कभी ऐसे बैठकों में मुझे समय देखने की ज़रूरत होती है तो उल्टी दिशा में घड़ी होने की वजह से मैं आराम से देख लेता हूँ और लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। वैसे भी मीटिंग के दौरान कलाई घुमाकर बार बार घड़ी देखेंगे तो इससे मीटिंग में बैठे लोग अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो पीएम मोदी ने तो अपनी तरफ से ये बता दिया कि आखिर वो कलाई पर उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं, लेकिन इसके पीछे के ज्योतिष कारण भी कम नहीं है। ज्योतिष पंडितों का ये मानना है कि पीएम मोदी उल्टी घड़ी पहनने को लकी समझते हैं, और यही वजह है कि वो कभी भी घड़ी का डायल ऊपर की ओर नहीं रखते हैं, और जिस वजह से पीएम मोदी का राजनीतिक करियर बढ़ा है। और इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उल्टी घड़ी पहनने की वजह से ही उनका लक सच में काम कर रहा है। तो आज भी देखिए पीएम मोदी अपनी कलाई पर उल्टी घड़ी पहनते हैं। वैसे तो देखिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है घड़ी पहनने का, लेकिन वास्तु अनुसार घड़ी का इस्तेमाल करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को सोते समय अपने तकिए के नीचे दबाकर सो जाते हैं या आसपास रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से उसकी आवाज़ नींद में देखिए एक तो खलल तो डालती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हमारे दिमाग और हृदय पर बुरा प्रभाव भी डालती है, और इन तरंगों के चलते पूरे कमरे में नेगेटिव ऊर्जा भी पैदा हो जाती है जो आपके मन की शांति को भंग भी कर सकती है और तनाव पैदा भी कर सकती है, और साथ ही साथ आपकी विचारधारा को नकारात्मक भी बना सकती है। करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म परायण स्वरूप में पहुंच रहे हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक, संत, महापुरुष, महान समाज सुधारक रामानुजाचार्य की। प्रधानमंत्री इस समय भद्रवेदी पर पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 36 हाथियों को इस भद्रवेदी पर स्थापित किया गया है, और इस स्वर्ण कमल जैसी सदृश पंखुड़ियों पर भगवान की ये पूरी मूर्ति है, और भगवान रामानुजाचार्य यहाँ पर
पद्मासन की मुद्रा में है और विशिष्ट मुद्रा उनकी जो है वो आराधना करती हुई मुद्रा है और अपने आप में ये मूर्ति और ये पूरा का पूरा प्रांगण, पूरा का पूरा परिसर विशिष्ट रूप में अलौकिक और आध्यात्मिक संचेतना से आपको भर देगा यहाँ पर आने पर। और भगवान रामानुजाचार्य की जो वहाँ पर प्रतिरूप है, इस मूर्ति के नीचे एक छोटा प्रतिरूप रखा गया है, उसकी आराधना कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, कार्यांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्म परायण रूप में भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं रामानुजाचार्य जी को, जो कि भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले, समता के सिद्धांत को स्थापित करने वाले और साथ ही साथ सभी का एक समान ईश्वर और भक्त के बीच के सभी अवरोधों को समाप्त करने वाले क्रांति दूत के रूप में रहे रामानुजाचार्य। Yeah.